Hey, hi, and welcome back in my new video. बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके दिमाग में ये चल रहा होता है क्या CMA कोर्स एक बेस्ट ऑप्शन है उनके लिए, क्या उन्हें CMA कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। ये वीडियो आपको उसका आंसर देगी। अगर आप अपने आप को आफ्टर क्वालिफाइंग CMA एक बेस्ट लेवल पे देखना चाहते हो, देन दिस कोर्स इज फॉर यू। आफ्टर 20 ईयर्स और 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आप चाहते हो कि आप ऐसे लेवल पे हो कि आपको दुनिया सैल्यूट करे, तो दिस कोर्स इज फॉर यू। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ, लाइक रिलायंस जियो जिसकी सिम ऑलमोस्ट हर कोई यूज कर रहा है, उसके करेंटली जो CFO है रजनीश चंदन वो एक CMA है। इसके अलावा अभी रिजर्व बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं, जो ऑल्सो CMA। PFC के मैनेजिंग डायरेक्टर अभी जो मैम बनी है वो भी CMA है। इसके अलावा लाइक ONGC विदेश में जब मैं एज ए CMA ट्रेनी था उस समय डायरेक्टर फाइनेंस जो थे वो भी CMA थे, ONGC के डायरेक्टर फाइनेंस थे वो भी CMA थे, शिपिंग कॉरपोरेशन के भी करेंटली डायरेक्टर फाइनेंस है वो भी CMA है। तो ऐसे मल्टीपल PSUs एंड इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ NSC एंड BSC उनके भी डायरेक्टर फाइनेंस कुछ टाइम पहले तक CMA थे, अभी मैंने करेंटली चेक नहीं किया बट वहाँ पे भी CMA थे। सो अगर आप चाहते हो कि दुनिया सैल्यूट करे तो आपको इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए।